हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेक्शन। आई होप आप सब लोग बहुत हेल्दी होंगे, घर में होंगे और अपना अच्छे से ध्यान रखने होंगे। तो आइए आज की हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्लास में मेटल्स और नॉन मेटल्स चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया था, जिसमें हमने मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने उसके शेप, उसकी स्ट्रक्चर, उसके कलर, डिज़ाइन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, यानी कि मेटल्स को अगर हम अलग अलग चीज़ों से रिएक्ट कर करके देखें तो क्या क्या हमें उसके रिएक्शंस मिलते हैं, ठीक है। लेट्स बिगिन। इसमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी, वो है कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन, यानी कि अगर मेटल्स को एयर की फॉर्म में, एयर में बर्न किया जाए तो वो क्या करते हैं, जो एयर का कॉन्स्टिट्यूएंट है ऑक्सीजन है, उसके साथ वो बर्न होके क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं, ठीक है। यानी कि मेटल व्हेन बर्न्स इन एयर इट फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सोडियम है, सोडियम को अगर एयर में रखा जाए, ठीक है, तो वो उसके साथ बर्न करके क्या बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड यानी कि मेटल ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। अब केमिस्ट्री में बच्चों एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी हम इक्वेशंस बना रहे हैं उनको बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। केमिस्ट्री में अनबैलेंस्ड इक्वेशन का कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। अब इसकी जो बैलेंसिंग है वो डिटेल में हम जब केमिकल इक्वेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें करेंगे। फॉर दी टाइमिंग मैं एक आपको जैसे एक बेसिक स्टार्ट बता देती हूँ कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि सोडियम का एक मॉलिक्यूल है हमारे पास और इसके जो रिएक्शन बन रहा है वहाँ पे सोडियम के दो मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमेशा उसके फ्रंट में ही हम नंबर लगाते हैं। जैसे यहाँ पे टू मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे वन है, तो हमने यहाँ पे टू मॉलिक्यूल्स कर दिए, यानी कि सोडियम के दो मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक है। सोडियम बैलेंस हो गया। नेक्स्ट आते हैं ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन के यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन का सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है, तो अब हम क्या करेंगे, ये एक पूरा एक ही कंपाउंड है, तो हम इसके आगे यहाँ पे हमने शो किया। अब इसका मतलब है, अगर यहाँ पे आगे टू लगाने का मतलब है कि ये जो टू है ये सोडियम के साथ भी मल्टीप्लाई होगा मॉलिक्यूल्स के साथ और ये ऑक्सीजन के साथ भी होगा, ठीक है। अब स्टार्टिंग से फिर से देखते हैं, यहाँ पे सोडियम वन है, यहाँ पे सोडियम फोर हो गया, टू पहले थे, टू हमने और लगा लिए तो टू मल्टीप्लाइड बाय टू फोर हो गए, तो हम क्या करेंगे, इसको हमने हटा के यहाँ पे फोर कर दिया, यहाँ पे यानी कि सोडियम के चार मॉलिक्यूल्स हो गए, यहाँ पे भी चार मॉलिक्यूल्स हो गए, यहाँ पे ऑक्सीजन के अब टू मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पे भी ऑक्सीजन के टू मॉलिक्यूल्स है, यानी कि ये जो इक्वेशन है हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन होगी, ठीक है। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक कि जब भी मेटल्स जो हैं वो एयर में बर्न करते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं, ठीक है। अब जो सोडियम और पोटाशियम जो मेटल्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट बहुत विग्रेसली रिएक्ट करते हैं और इनमें बहुत जल्दी आग लग जाती है। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि जो सोडियम और पोटाशियम जो मेटल्स है इनको केरोसिन ऑयल के अंडर ही रखा जाता है, ठीक है। अगर वो उसको एयर में रखेंगे तो वो बर्न हो जाएंगे, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं इसलिए उनको केरोसिन ऑयल के अंडर ही स्टोर किया जाता है, इसको नॉर्मली किसी भी ऐसे ही कंटेनर में स्टोर नहीं किया जाता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे इमेज में देखिए, जैसे सोडियम की है, सोडियम वायर है एक तरह से, इसको जैसे ही ऑक्सीजन में रखा वो लेके आए ये रिएक्ट कर जाता है, यानी कि बहुत विग्रेसली बर्न करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो सोडियम और पोटाशियम बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं। अब जो ज़्यादा मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, यानी कि वो वाटर में डिजोल्व नहीं होते, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे हैं जो पानी में डिजोल्व होके क्या बनाते हैं, अल्कलाइज बनाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये जो होता है ये पानी में डिजोल्व हो जाता है, इसका फॉर्मूला है NaOH, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो वाटर में डिजोल्व हो सकता है, अल्कलाई बनाता है ये, ठीक है। अब जितने भी मेटल ऑक्साइड्स हैं बेसिक होते हैं नेचर में, ठीक है। बेसिक में क्या होता है कि जो रेड लिटमस होता है उसको क्या करते हैं, ब्लू में चेंज कर देते हैं, यानी कि अगर मेटल ऑक्साइड को टेस्ट किया जाए, ठीक है, अगर लिटमस पेपर रेड लिटमस को मेटल ऑक्साइड में डिप किया जाए तो वो क्या होते हैं, वो रेड लिटमस से किस में टर्न होने लग जाते हैं, ब्लू में, जो शो करते हैं कि उनका नेचर क्या है, बेसिक नेचर है, ठीक है।
अब कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे हैं कि जो बेसिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं और एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं, ठीक है। यानी कि वो कुछ ऐसे ऑक्साइड्स हैं जो ब्लू लिटमस को रेड टर्न कर देते हैं या रेड लिटमस को ब्लू टर्न कर देते हैं अगर वो एसिडिक बिहेव करें, ठीक है। तो उन मेटल ऑक्साइड्स को क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है या जिंक ऑक्साइड है। ये दोनों जो ऑक्साइड्स हैं ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं, यानी कि ये एसिडिक बिहेवियर भी शो करते हैं। आगे के रिएक्शन पढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, यानी कि जो मेटल्स हैं वो किस ऑर्डर में रिएक्ट करते हैं, ठीक है। उनके बारे में हम पढ़ते हैं कि उस अरेंजमेंट को एक वर्टिकल कॉलम में मेटल्स को इस वे में अरेंज किया जाता है कि उनके जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज होती रहती है। यानी कि पोटाशियम जो है ये हाइएस्ट रिएक्टिव मेटल है, यानी कि सबसे ज़्यादा पोटाशियम रिएक्ट करता है, इसलिए उसको सबसे टॉप पे प्लेस किया गया है। सिमिलरली गोल्ड जो है बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव मेटल होता है, इसलिए उसको किस में बिल्कुल नीचे प्लेस किया गया है, ठीक है। तो उसकी जब डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसकी अरेंजमेंट को, मेटल्स की अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, ठीक है। अब इसमें जो मेन पॉइंट है वो ये है कि हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने भी मेटल्स हैं, ठीक है, ये हाइड्रोजन को वाटर में से डिस्प्लेस कर सकते हैं टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, ठीक है। यानी कि पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है जिससे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, ठीक है। इन रिएक्शन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फॉर दी टाइमिंग इतना देखिए कि जो हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी मेटल प्लेस हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन जो हाइड्रोजन के नीचे वाले जो मेटल्स हैं ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते और ना ही वो हाइड्रोजन गैस फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन से ऊपर वाले मेटल्स करेंगे और हाइड्रोजन से नीचे वाले मेटल्स नहीं करते हैं, ठीक है। इसमें एक और चीज़ भी है, जैसे अब जो जिंक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे जिंक और कॉपर है। अब जिंक जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है उसके सॉल्यूशन में से, लेकिन कॉपर जो है वो जिंक को नहीं कर सकती है। यानी कि ऊपर वाला मेटल नीचे वाले मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन नीचे वाला मेटल ऊपर वाले मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये पूरी सीरीज जो है ये क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा रिएक्शन में यूज होती है। जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है मेटल्स विद वाटर, यानी कि अगर मेटल्स को वाटर में रिएक्ट करवाया जाए तो क्या क्या रिएक्शन होता है, ठीक है। वेन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर दे फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैसेस फॉर्म्ड, ठीक है। जैसे भी रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़ा था कि मेटल्स जो हैं, जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले जो मेटल्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करके उसमें से हाइड्रोजन गैस को फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो वही हम पढ़ रहे हैं कि मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, यानी कि जो मेटल्स हाइड्रोजन से ऊपर प्लेस थे, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल ऐसे पोटाशियम और सोडियम है, ये वाटर के साथ बहुत वायलेंटली रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, ठीक है। यानी कि अगर पोटाशियम जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? पोटाशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व प्लस हीट इज इवॉल्व, ठीक है। इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे ये टू आ जाएगा, टू हाइड्रोजन, यहाँ पे फोर हो गए, फोर होगी, ये बैलेंस्ड होगी, ठीक है। तो दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। अब यहाँ पे देखिए, जैसे अभी वाटर है, वाटर में पोटाशियम को ड्रॉप किया तो एक बहुत ही वायलेंट रिएक्शन होता है, सडन रिएक्शन होता है, ठीक है, जिसमें क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस और हीट, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे जो हीट है ये इवॉल्व हो रही है, ठीक है, ये हीट जो है वो बाहर निकलती है। यानी कि जो मेटल्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट होकर क्या बनाते हैं? मेटल हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होती है, ठीक है। अब जो मेटल्स हैं, जैसे एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन है, ठीक है, AlZn, जो रिएक्टिविटी सीरीज अगर आप पीछे से देखें, ये जो मेटल्स हैं ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, यानी कि वाटर का जो वेपर फॉर्म में आ जाता है ये उन्हीं के साथ रिएक्ट करते हैं, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। अब जो हाइड्रोजन से जो नीचे वाले मेटल्स थे, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं या स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन से नीचे प्लेस्ड हैं, हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ठीक है। ओनली दोज मेटल्स डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर विच आर अबव द हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है, क्लियर है। कोई भी डाउट हो तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए।
नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स, यानी कि मेटल्स और डाइल्यूट एसिड को अगर मिक्स किया जाए, उनको रिएक्ट करवाया जाए तो क्या क्या फॉर्म होता है। तो मेटल्स जो हैं वो यूजुअली हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं फ्रॉम देयर डाइल्यूट एसिड्स। वही मेटल्स डिस्प्लेस कर सकते हैं जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर प्लेस्ड होते हैं, जो नीचे प्लेस्ड होते हैं वो वाले डिस्प्लेस नहीं करेंगे। जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड है, दे डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स। तो इससे हमें ये पता चलता है जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि चार ऑप्शन में यू हैव टू चूज कि कौन सा ऐसा मेटल है जो हाइड्रोजन को उसके डाइल्यूट एसिड में से या वाटर में से डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। तो वो क्वेश्चन तभी सॉल्व कर सकते हैं जब हमें रिएक्टिविटी सीरीज पता हो कि कौन सा जो मेटल है वो हाइड्रोजन से ऊपर प्लेस किया गया है या कौन सा मेटल जो है वो हाइड्रोजन से नीचे प्लेस किया गया है। तो ठीक है, उसके लिए तो आपको क्या करना है कि रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो बहुत अच्छे से लर्न करनी है। ठीक है, वो आगे और भी जो आगे रिएक्शंस है उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, तो प्लीज़ रिएक्टिविटी सीरीज को अच्छे से पढ़ लेना। इसमें एग्जांपल लेते हैं, जैसे सोडियम है बहुत ही ज़्यादा वायलेंटली रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्या बनाने के लिए, टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अभी सोडियम है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl से बहुत ज़्यादा वायलेंटली रिएक्ट करता है। ठीक है, क्या बनाने के लिए, सोडियम क्लोराइड और इसमें हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होती है। ठीक है, इसका जो रिएक्शन है सोडियम प्लस HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला इज HCl, दिस गिव्स सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैसेस इवॉल्व। इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे भी टू, यहाँ पे वन, ये भी टू हो जाएगा। ठीक है, तो ये सोडियम जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि एक्वस फॉर्म, लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए ये। ठीक है, उससे ये सोडियम क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैसेस इवॉल्व्ड। अब जो कॉपर है ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है। क्यों रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन से नीचे प्लेस किया गया है और हमने पढ़ा था रिएक्टिविटी सीरीज में जो भी हाइड्रोजन से नीचे जो मेटल प्लेस किया जाता है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये बहुत ही ध्यान से बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, तो इसका जैसे अब कॉपर को अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड में रिएक्ट करवाना चाहे तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन फॉर्म नहीं होगा क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन का है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है बेसिकली कि एक मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। यानी कि जैसे रिएक्टिविटी सीरीज में हमने पढ़ा था कि जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है उसको सबसे ऊपर प्लेस किया गया, तो एक जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन एक कम रिएक्टिव मेटल ज्यादा रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। ठीक है, तो एक मोर रिएक्टिव मेटल जो दूसरा वाला मेटल है उसके सॉल्यूशन, उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से उसको डिस्प्लेस कर सकता है। जैसे जिंक जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, हटा सकता है उसको उसके सॉल्यूशन में से, लेकिन जो कॉपर है वो जिंक को हटा नहीं सकता है। ठीक है, अब इसका जैसे एग्जांपल है कि अगर किस एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया, यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन यानी कि लिक्विड फॉर्म में, उसमें अगर जिंक की एक स्ट्रिप को रखा जाए तो क्या चेंजेस होंगे, यानी कि Zn जिंक में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को रखा जाए तो उसका क्या रिएक्शन होगा। अब जिंक देखो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर प्लेस जाए तो वो क्या होएगा, तो वो उसको कॉपर को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस करके खुद उसकी पोजीशन ले लेता है और कॉपर को उससे सेपरेट कर देता है। ठीक है, अब जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, इसमें जिंक स्ट्रिप को डिसॉल्व कर दिया गया है, तो थोड़े टाइम बाद क्या होगा कि जो ये जो ब्लू कलर का जो ब्लू कलर है ये ग्रेजुअली जो है ये कलरलेस जिंक सल्फेट बनना शुरू हो जाएगा और जो कॉपर है वो इस स्ट्रिप पे कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा, जो कि एक ब्राउन कॉपर मेटल जो है वो यहाँ पे कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये था कि एक जो हायर रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है, यानी कि जिंक जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है लेकिन कॉपर जो है वो जिंक को उसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस नहीं कर सकता। नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है मेटल्स विद क्लोरीन। अगर मेटल्स को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो क्या बनता है, बनता है इलेक्ट्रोवेलेंट क्लोराइड्स। अब इलेक्ट्रोवेलेंट का मतलब होता है कि ऐसा बॉन्ड, ठीक है, जो बनता है उसका नाम लिख देते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये ऐसा बॉन्ड है जो बनता है
एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करके, ठीक है, जब एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर किया जाए एक एटम से या दूसरे एटम में, ठीक है, तो उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि उसमें एक एटम सॉरी एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन जो है वो जब ट्रांसफर किए जाते हैं, ठीक है। अब जो मेटल है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, इलेक्ट्रोवेलेंट क्लोराइड्स बनाता है, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल है जैसे सोडियम है, सोडियम को अगर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाया जाए वो एक इलेक्ट्रोवेलेंट क्लोराइड बनाता है जिसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, यानी कि सोडियम प्लस क्लोरीन मिलके क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड। अब देखो यहाँ पे सोडियम जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और क्लोरीन होता है नेगेटिवली चार्ज, यानी कि इसमें दोनों में एक एक जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन, सॉरी सोडियम में फ्री इलेक्ट्रॉन्स और क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है कंप्लीट होने के लिए, तो वो एक इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर कर देते हैं, तो वो जो बॉन्ड बनता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब ये केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है, सोडियम यहाँ पे वन है, यहाँ पे वन है, यहाँ पे क्लोरीन टू है लेकिन यहाँ पे क्लोरीन वन है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने टू कर दिया। अब लेकिन यहाँ पे सोडियम टू हो गया, यहाँ पे वन हो गया, तो इसको टू बनाने के लिए हमने यहाँ पे इसको ट्वाइस कर दिया, तो दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। अब जो क्लोरीन है वो सोडियम के साथ, क्लोरीन सोडियम के साथ बहुत ही वायलेंटली रिएक्ट करके क्या बना रही है, सोडियम क्लोराइड, यानी कि NaCl, जिसे कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट, ठीक है। तो मेटल्स रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म इलेक्ट्रोवेलेंट क्लोराइड्स। अब इसमें लास्ट जो रिएक्शन है वो है कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद हाइड्रोजन। अब मेटल्स जो है हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो है वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन फ्यू ऐसे रिएक्टिव मेटल्स हैं जो सोडियम हो गया, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो हाइड्रोजन से ऊपर प्लेस्ड किए गए हैं, ठीक है, सोडियम पोटेशियम ये सब जो है हाइड्रोजन के साथ मिलके क्या बनाते हैं, मेटल हाइड्राइड्स, उनको क्या नाम दिया गया है, मेटल हाइड्राइड्स। जैसे एग्जाम्पल है, अगर हाइड्रोजन गैस को सोडियम के ऊपर पास किया जाए, ठीक है, सोडियम को हाइड्रोजन गैस को सोडियम के ऊपर पास किया जाए तो वो क्या बनाते हैं, सोडियम हाइड्राइड। इसको बैलेंस करना अगेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो सोडियम प्लस हाइड्रोजन गैस मिलके क्या बनाते हैं, सोडियम हाइड्राइड बनाते हैं। और ये जो सोडियम हाइड्राइड वगैरह है बेसिकली बैटरीज वगैरह बनाने में यूज होते हैं, ठीक है, जितने भी ये फोन रिमोट वाली बैटरीज होती हैं इन सबको बनाने के लिए सोडियम हाइड्राइड का बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने मेटल्स की जितने भी केमिकल प्रॉपर्टीज थी उनको कवर अप कर लिया था। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है। तो अब रिव्यू क्वेश्चंस करते हैं। पहले भी जैसे मैंने बोला है, क्वेश्चन करते टाइम प्लीज़ वीडियो को आंसर से पहले पॉज कर लीजिए और उसे खुद ट्राई करने की ज़रूर कोशिश करना। फर्स्ट क्वेश्चन इज, मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर डैश इन नेचर। मेटल ऑक्साइड्स का क्या नेचर क्या होता है, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल या नन ऑफ द अबव? द आंसर इज बेसिक इन नेचर। मोस्टली जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, यानी कि वो रेड लिटमस को क्या करते हैं, ब्लू में चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सम ऑफ द मेटल ऑक्साइड शो बेसिक एज वेल एज एसिडिक बिहेवियर। दीज मेटल ऑक्साइड्स आर नोन एज, कुछ मेटल ऑक्साइड्स हमने अभी पीछे पढ़ा था कि बेसिक नेचर शो करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो बेसिक और एसिडिक दोनों बिहेवियर शो करते हैं, उन मेटल ऑक्साइड्स को क्या बोलते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स, एसिडिक ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स या नन ऑफ द अबव? दे आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओनली फ्यू रिएक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म, ठीक है, जो हाइड्रोजन से ऊपर प्लेस किए हैं, यही मेटल्स जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं, मेटल क्लोराइड्स बनाते हैं या मेटल हाइड्राइड बनाते हैं? दे फॉर्म मेटल हाइड्राइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।